तो आज मैं सफ़र कर रहा हूँ पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। ये सफ़र हमारा 22 घंटे तवील होने वाला है कराची टू रावलपिंडी तक का, जिसमें हम एक्सपीरियंस करेंगे ट्रेन की सर्विस, फूड और बाकी सहूलियात। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज से शुरू हो रहा है हमारा कराची टू रावलपिंडी का सफ़र, वो भी बाय ट्रेन। तो फिर आज से हो जाओ तैयार, क्योंकि मज़ेदार स्ट्रीट फूड वीडियोस भी आने वाली हैं और ये ब्लॉग भी मज़ेदार होने वाला है। तो फिर चलो। तो स्टेशन पे आते ही सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि मैंने एक कुली कर लिया जिसको 100 रुपये दिए हैं। बल्कि रजाक से तो आप लोग मिले नहीं। रजाक, आज आप भी जा रहे हो हमारे साथ? बिल्कुल जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? हम जाएंगे पंडित भैया। चलो 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 भाई, ट्रेन हमारी लग चुकी है। ये रही ग्रीन लाइन, वो भी नए डब्बों के साथ। रजाक थोड़ी आपको अभी रात में परेशानी ये हो रही होगी कि मेरा कैमरा लो लाइट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बट आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चलो डब्बे की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रजाक और मैं सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान की द मोस्ट फेमस ट्रेन, जो सबसे अच्छी ट्रेनों में ट्रेन है, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। और इसमें अभी अभी नए नए डब्बे लगे हैं और मेरी एक्साइटमेंट आप लोग देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले व्यू दिखाता हूँ पॉलर कार का। ये देखो भाई, ये है पॉलर कार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार। इसमें इस तरीके से सीट्स हैं कि आप लोग एक बंदा ऐसे बैठ सकता है, दूसरा बंदा ऐसे बैठ सकता है, जैसे बस वगैरह में होती हैं। और ये पॉलर कार के भाई कितने डब्बे लगे हुए होते हैं इसमें? एक ही डब्बा होता है पॉलर कार का। तो पॉलर कार का भाई एक ही डब्बा होता है। और भी मीडिया के लोग वगैरह यहाँ पे आ गए हैं। तो ये थी पाकिस्तान की सबसे अच्छी ट्रेन की पॉलर कार की बोगी। अब मैं आपको अपना एसी लोअर स्टैंडर्ड जो मैंने कराया है उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स सब दिखाता हूँ, सब बताता हूँ। रजाक बैठ चुका है, मैंने सामान रख दिया, पहले मैंने बोला आप लोगों को ये दिखा दूँ, चलो फिर आ जाओ। सो तो भाई रजाक को मैंने बिठा दिया था ट्रेन में, सामान वगैरह रखवा दिया था ताकि थोड़ी मुश्किल ना हो हमें। ट्रेन हमारी लग चुकी है 9:30 बजे, 9:30 से भी पहले लग गई थी। तो ये है कि अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने करवाया है एसी स्टैंडर्ड का टिकट, क्यों करवाया है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं सब दिखाऊंगा। चलते हैं। सबसे पहली बात तो नए डब्बे लगे हैं, ये देखो भाई पूरी ट्रेन में नए डब्बे लगे। तो चलते हैं भाई, स्टेप्स आराम से चढ़ेंगे हम। सबसे पहले ना एसी स्टैंडर्ड का ये एक बड़ा वो है फ़ायदा, यहाँ पे आपको मिल गया डोर, एक डोर ये मिल गया आपको। इसके बाद सबसे मेन चीज़ के पानी का कैन लगा हुआ है यहाँ पे, जो किसी भी ट्रेन में मैंने अभी तक नहीं देखा। अब हम अपने बॉक्स की तरफ चलते हैं। ये दूसरे वाला ही हमारा है और ये बैठा हुआ हमारा दोस्त रजाक। आप बताओ भाई, रजाक का ये है कि रजाक कर रहा है पहली बार सफ़र ट्रेन का, तो इसको थोड़ी मुश्किल और घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने इसको कन्वेंस करा कि मज़ा आएगा, इसीलिए हमने एसी स्टैंडर्ड भी कराया। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि नए बॉक्स में क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप लोग ग्रीन लाइन में सफ़र करते हो। चार्जिंग पोर्ट्स, ये लगे हुए चार्जिंग पोर्ट एक, ये लगा हुआ दूसरा इस बर्थ वाले के लिए, ऊपर आई थिंक होगा तीसरा, लेकिन ऊपर इन्होंने अभी वो रखे हुए तकिए वगैरह। लाइट एक दो, इस सेम इसी तरह यहाँ पे है। और ये रजाक भाई हैं, फुल जहाज़ में जा रहे हैं हम। जहाज़ नहीं यार, बहुत अच्छी ट्रेन है अभी तक तो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना। पानी का डिस्पेंसर मैंने किसी भी आज तक पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन में नहीं देखा। वॉशरूम बहुत नीट और क्लीन है, दिखाना नहीं जा रहा मैं। तो ये कि हमने अभी ये हमारा कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता ये लोग। जाओ बेटा जाओ, चलो निकलो, ना भला करेगा आपका। तो भाई अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा ना बहुत अच्छा रहा है। बर्थ देखो इस तरीके से है यहाँ पे, एक बर्थ ये रही जैसे नॉर्मल ट्रेन्स में होता है, बट ये है कि इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं। सुबह का नाश्ता मिलेगा, दोपहर का खाना मिलेगा, शाम की चाय फिर नेक्स्ट डे की मिलेगी। अभी 10 बजे ट्रेन चलेगी कराची से। टिकट है इसका 7,550 रुपये और क्या कहते हैं 27 अप्रैल है आज, 27 अप्रैल 2023 आज के दिन का ये किराया है। तो अभी आगे जैसे जैसे सफ़र जाएगा थोड़ा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, लेकिन मज़ेदार होगा। रजाक मेरे साथ है, मैं आप लोगों को पूरा दिखाता रहूँगा, मज़ा आ जाएगा, साथ रहना। ट्रेन अपने टाइम से कराची कैंट स्टेशन से रावलपिंडी के लिए निकल चुकी थी और फिर ट्रेन स्टाफ की तरफ से हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री किट दी गई, जिसमें डे टू डे यूज़ की तमाम ही चीज़ें मौजूद होती हैं। तो भाई ट्रेन चलते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, 11:30 हो रहा है। तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री से सबसे पहले हमें चीज़ मिली है इस 7,500 रुपये के टिकट में, ये रंग वाला पानी है, कलर वाला पानी, ऑरेंज कलर का। तो पी के टेस्ट करते हैं, रजा ने पिया है लेकिन मैंने अभी तक पिया नहीं है। पाकिस्तान रेलवे की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट्री किट मिली है, सील पैक है। इसको खोलते हैं, रजाक भाई दिखाओ। सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। ये टूथब्रश,
टूथपेस्ट भी है। इतना टूथपेस्ट ना, इतना टूथपेस्ट ये रजाक एक बार अपने दांतों में लगा लेता है। हमें ये आई थिंक टिशू मिला है, शू में मतलब शू साफ करने के लिए सैनिटरी बैग रजाक, ये तुम्हारे लिए अगर तुम्हें उल्टी वगैरह आ जाए ना तो सैनिटरी बैग भी है। और ये कंघा भी मिला है, ओए होए 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 रजाक भाई कंघा भी मिला है, कॉम्प्लीमेंट्री किट थी जो इनकी तरफ से मिली है। खैर बहुत ज़्यादा लंबी और बातें हो गई हैं, अभी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री किट और जूस ये चीज़ें मिली हैं। दोपहर का खाना मिलेगा कल हमें, और क्या मिलेगा सुबह का नाश्ता, जैसे जैसे चीज़ें मिलेंगी सब दिखाता रहूँगा। तो भाई अभी पहला स्टॉप जो है हमारा आया है वो है हैदराबाद। तकरीबन 40 से 45 मिनट ट्रेन जो है लेट है। 110 रुपए की कितने ml कोल्ड ड्रिंक, 500 ml कोल्ड ड्रिंक वैसे कितने की है, वैसे भी 80-90 रुपए की है। 70 रुपए की 300 ml हो गई है, महंगी हो गई है। एक कौन सी ले रहे, कौन सी हो, ड्यू ले लो। तो भाई अभी ये है कि हमने खाना वगैरह एक दफ़ा और रोल जो है घर से बने हुए लिए थे वो खा लिए थे एक दफ़ा, और इसलिए कि पहले हमने स्टेशन पे ही रोल खाए थे रजाक, और फिर ट्रेन में भी हमने खाए। रजाक ने अभी भी खाया है, 3 रोल रजाक ने खाए, 2 रोल मैंने खाए। ट्रेन हमारी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का स्टे है। ये भाई बहुत ज़ोर से सीख रहा है, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, ट्रेन में चलेंगे और इसके बाद आपसे मिलेंगे कल, क्योंकि मैं इस वक्त 1 बज रहा है सो जाऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर आपको और मज़ेदार चीज़ें दिखाऊँगा। अभी कॉम्प्लीमेंट्री किट, जूस ये सब मिला है, सफ़र आरामदेह है, बट ये है ना कि लेट हो रही है। खैर देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक तो पिला दो। हैदराबाद जंक्शन से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद रजाक और मैं अपना सफ़र एंजॉय करते करते सो गए, और फिर जब हमारी आँख खुली तो ट्रेन हमारी खाने वाले स्टेशन पहुँच चुकी थी। तो भाई सुबह हो गई थी, रजाक ने नाश्ता कर लिया था। रजाक तुमने नाश्ते में क्या खाया? नाश्ते में भाजपा 13 हिस्से का पराठे और अंडा मेरा मर दिया। तो भाई सीन ये हुआ कि इन लोगों ने नाश्ते में मतलब कॉम्प्लीमेंट्री अंडा पराठा, चाय भी थी, कावे दो आए थे, दो कावे आए थे भाई ने। फिर चलो रजाक ने भाई दोनों मेरा नाश्ता भी मंड दिया, अपना नाश्ता भी मंड दिया। इस वक्त हमारी ट्रेन पहुंची है खाने वाल पे, यहाँ पे 20 मिनट का स्टे है। पानी वगैरह भर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से ये ट्रेन हमारी वो वहाँ से आ रही है, और ये यहाँ से वो वहाँ तक जा रही है। तो अभी तक का रजाक और मेरा जो सफ़र है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का वो बहुत अच्छा रहा है। ऐसा ही है ना, वैसे ट्रेन हमारी रात में जब हम हैदराबाद पे थे 1 घंटा 20 मिनट लेट थी, अभी 35 से 40 मिनट से लेट है। हाँ अच्छी ट्रेन चलाई है इसने, और अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। 7,550 रुपये की टिकट में कॉम्प्लीमेंट्री हमें सबसे पहले किट मिली, जूस मिला, सुबह के नाश्ते में अंडा पराठा मिला, दोपहर का खाना भी मिलेगा। अच्छा इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, 11:30 हो रहे होंगे, 11:30 हो रहे हैं। मैंने नाश्ता नहीं किया, रजाक ने कर लिया, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा उस क्लिप में वो क्या नाश्ता मिला था। भाई अच्छी ट्रेन है, ग्रीन लाइन सर्विस बहुत अच्छी है, बार बार सफाई करने के लिए आ रहे थे, खाने का पूछने के लिए आ रहे थे। तो अब तक का अच्छा सफ़र रहा है। अब खाने वाले से जब आगे चलेगी, फैसलाबाद से बिरयानी वगैरह हमें मिलेगी तो इंशाल्लाह वो दिखाऊंगा। साथ में एक दो लेडीज़ भी हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, देखते आने वाला सफ़र आगे का कैसा रहता है। जल्दी आ, जल्दी आ, आ जा। खाना जो है वो खानेवाल स्टेशन से ट्रेन में आ चुका था, तो इसको गर्म करने के साथ ही ट्रेन स्टाफ ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी थी। और ये खाना एक 5-स्टार रेस्टोरेंट है लाहौर का, पाक सुइस, उनकी तरफ से ट्रेन में प्रोवाइड किया गया था। तो चलिए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा था। खाना मेरा आ चुका है, क्योंकि ये बॉक्स मिला है कॉम्प्लीमेंट्री, इसको खोलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। बिरयानी है, चने की दाल है, एक ये गुलाब जामुन का पीस मिला है, थोड़ी सी कढ़ाई है, और ये दो नान के पीस है छोटे छोटे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो फर्स्ट बाइट लेंगे अपना बिरयानी का, द सो कॉल्ड बिरयानी। 2 घंटे का मज़ेदार नहीं है मेरी नज़र में, ये जो है ना पीले वाले चावल नहीं होते हमारे घर में बनते हैं आलू वाले, ये वो हैं। हाथ में चने की दाल है जो बिल्कुल जमी हुई है, देखो ये फ्रीज़र हुई हुई जमी हुई है, गर्म किया था इन्होंने खाना, बट फिर भी ये मज़े का नहीं है। दाल तो मैं टेस्ट ही नहीं कर रहा, बिरयानी भी एवरेज है। अच्छा ये जो खाना मिला है ना हमें, ये मैं बता देता हूँ पहले मिला कहाँ से, ये रॉयल स्विस लाहौर, लाहौर का एक 5-स्टार रेस्टोरेंट है, उनकी तरफ से मिला है। फिर भी बिरयानी का टेस्ट और दाल आपने देख ली, जो नान है उसके ये 2 से 3 पीस हैं, तो बिस्मिल्लाह करके एक बाइट जो है नान का ले लेते हैं। फिर रहमानिर्रहीम भाई, ये है फर्स्ट बाइट रॉयल स्विस की चिकन कढ़ाई, कढ़ाई फिर भी मज़ेदार है, तो ये सब ठंडा है, थोड़ा सा ठंडा है, कढ़ाई फिर भी मज़ेदार है, बिरयानी एवरेज है, और चने की दाल तो बिल्कुल जमी हुई है। ये
कॉम्प्लीमेंट्री लंच है, ब्रेकफास्ट इससे पहले अंडा पराठा मिला था जो मैंने नहीं खाया। आई होप अगर आप लोग ग्रीन लाइन में सफ़र करोगे तो ये खाना ज़रूर इंजॉय करोगे। अभी देखते हैं इसके बाद और कॉम्प्लीमेंट्री हमें क्या मिलेगा। रॉयल स्विस रेस्टोरेंट का 5-स्टार लेवल का खाना खाने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची लाहौर स्टेशन, जहां पे हमारा 35 मिनट का स्टे था। तो हमने भी सोचा क्यों ना कुछ इन्जॉय किया जाए। स्टेशन पे हम काफ़ी देर घूमे, हमने सेल्फीज़ वगैरह बनाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया और फिर हमारी ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन रावलपिंडी की तरफ बढ़ी। आखिरकार हम पहुँच चुके हैं लाहौर और अब तक नज़ारा हमारी ट्रेन कितना लेट है, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट पहले हमारी ट्रेन आ चुकी है अर्ली। अभी लाहौर को करते हैं एक मिशन है, बताता हूँ क्या मिशन है भाई। ट्रेन वाले ने पोहे डलवाली है, पोहे है। अभी लाहौर रेलवे स्टेशन उतरते हैं और मिशन है KFC या मैकडोनल्ड ढूंढने का, क्योंकि रजाक भाई को हमारे लग रही है भूख। तो देखते हैं मिलता है या नहीं। यार हमें KFC है, मैकडोनल्ड KFC तो यहाँ बंद हो गए 5 साल हो गए, दोनों बर्ड फूड पॉइंट है 8 साल से। नहीं असल में वो अंकल को पूछ रहा था। आप चेकिंग कर सकते हैं पूरे स्टेशन में घूम के, इसके अलावा आपको सर्विस ही नहीं मिलेगी। मैकडोनल्ड या KFC है ही नहीं मिलेगी। असल में हमारे साथ एक अंकल है, उनसे हमारी अच्छी सलाम दुआ हो गई है। वो बोल रहे थे कि यार उनको अगर मैकडोनल्ड या KFC मिल जाए ना तो उनके लिए ले आना। अभी जो ये भाई मिले हैं क्या है, बर्ड फूड पॉइंट सर, इनके पास बाहर भी बर्ड फूड आई है, यहाँ भी बर्ड फूड पॉइंट है। अच्छा, सब चीज़ें मिलेंगी। हाँ वो देख लेते ना, अंकल हमारे साथ हैं, उनको अगर समझ आता है तो वो ले लेंगे। अंकल वो तो वो बोल रहे हैं कि पिज़्ज़ा हट वगैरह बंद हो चुका है और मैकडोनल्ड भी बंद है, यहाँ नहीं है। ये है बट फूड पॉइंट, इसमें बट वाले नहीं समझ आया। बट तो लाहौर ही आएंगे ना, तो बट अल्हम्दुलिल्लाह बट कढ़ाई का नाम है ये पूरी। आप साथ ही लेकर आ दूं जी, साथ ही लेकर आ। नहीं नहीं वो रेस्टोरेंट बंद है ना, इधर हमारी डिलीवरी होती है सर सर्विस। साथ उन्होंने कहा सर को दिखाने बच्चों को, तो भाई अंकल को भी समझ नहीं आया अभी तो ये क्या। सो तो भाई बेसिकली हम लोग ढूंढ रहे थे, एक अंकल है हमारे साथ, उनके लिए KFC या मैकडोनल्ड वो मिला नहीं। तो रजाक को भी भूख लग गई थी, लेकिन रजाक को मैंने यही समझाया कि यार बाहर से अभी कुछ भी लेकर, समझाया कि लाहौर लाहौर है। नहीं मैंने इसके यही बोला लाहौर, मतलब लाहौर कह रहा हूँ, बाहर से अभी कुछ भी लेकर स्टेशन से नहीं खाओ। अच्छा हमारी ट्रेन का यहाँ पे स्टे है 30 to 35 minutes मेरे ख्याल से, है ना। अभी इंजन वगैरह भी हमारी ट्रेन से इन्होंने हटा दिया है और दूसरा इंजन लगेगा। मैं ट्रेन दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरे ख्याल से डब्बे भी हट गए भाई। हाँ बैक साइड से जो इकोनॉमी के डब्बे थे ना, ये देखो जो इकोनॉमी के यहाँ पे डब्बे लगे हुए थे वो हट चुके हैं, आपको अंधेरे से दिख नहीं रहा होगा। इंजन दिखाता हूँ, इंजन भी वो देखो दूसरा लग रहा है अभी। एक तो ये जूम नहीं करता GoPro, थोड़ी मेरी सांस फूल गई सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से। अरे बेसिकली अब तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा है, बिलाल भाई भी हमारे साथ आज ट्रैवल कर रहे हैं। बिलाल भाई अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा रहा है, ग्रीन लाइन में एक्सपेक्ट था नहीं लेकिन एक्सपेक्ट कर लिया हमने। हाँ। और हमारी ट्रेन लेट थी 1 घंटा और बहुत ज्यादा कवर किया है। हाँ। 1 घंटा भाई 17 मिनट हमारी जो ट्रेन है वो लेट थी हैदराबाद पे, मैंने जैसे पहले बताया। फिर हम खाने वाला है 40 मिनट लेट थी, लेकिन अभी हम लाहौर पहुंचे 6 मिनट पहले टाइम से आगे। अमेजिंग। तो अभी तक ग्रीन लाइन का हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा है। AC स्टैंडर्ड में बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई, मट्टी धूल से आप बचोगे, शोर शराबे से आप बचोगे, खाना आपको मिलेगा, नाश्ता आपको मिलेगा, जूस मिलेगा, तकिया मिलेगा, चादर मिलेगी उड़ने के लिए, ये सारी सहूलतें मिलेंगी ग्रीन लाइन का। मैं बता रहा हूँ 7,550 रुपये किराया है। हम बैठे थे 27 अप्रैल को और 28 से आज तारीख लग चुकी है, हमारे को रात में पहुँचना है 8 या 9 बजे तक। तो इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग के बाद और भी मज़ेदार वीडियोस आएंगी। ट्रेन मैंने आपको दिखाई किस तरीके से की है, सर्विस कैसी है, तो अभी आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से अब इंशाल्लाह ताला मज़ेदार रावलपिंडी तक का सफ़र। तो भाई अभी हम इंजॉय कर रहे हैं रिफ़्रेशमेंट, जिसमें हमने लिया है जूस और लेस, ये लिया है हमने लाहौर रेलवे स्टेशन से। अच्छा मैं एक दो बातें कहना चाहता था कि ये कि भाई लाहौर का जो रेलवे स्टेशन है ना, वो मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन है, साफ़ सुथरा, तमाम सर्विसेज यहाँ मिल जाती है। मतलब वॉशरूम आपको अगर अवेल करना है तो आप 10 रुपये दे के अवेल कर सकते हो। मतलब ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि बहुत से लोग अनकंफर्टेबल होते हैं ट्रेन में, तो लाहौर का रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा है। और एक और बात कि अगर यहाँ तक मेरा ब्लॉग आप लोगों ने ये देख लिया है कराची टू रावलपिंडी का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है। अभी आगे सफ़र बाकी है वो भी दिखाऊंगा। अगर कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री आई थिंक चाय या जूस मुझे लगता है मिलेगा ट्रेन में, मुझे लगता है, तो अगर मिला तो वो भी दिखाऊंगा। वरना इंशाल्लाह ताला आगे मज़ेदार स्ट्रीट फूड वीडियोज़ भी और ट्रैवल ब्लॉग भी आने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ से और आगे भी सफ़र कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लो मज़ेदार, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज फॉलो कर लो।
लाहौर स्टेशन से जब हमारी ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवा दमा थी तो हमें दिया गया रिफ्रेशमेंट के लिए चाय और कुछ समोसे जो कि काफ़ी फ्रेश थे। और फिर इसी तरह टाइम गुजरता गया और हमारी ट्रेन पहुंची रावलपिंडी स्टेशन, वो भी टाइम से 25 मिनट पहले। तो भाई फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल ट्रेन। रजाक भाई बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहा, 20 मिनट पहले हमें ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ने रावलपिंडी स्टेशन पे पहुंचा दिया। क्या कहना चाहोगे? इसमें सारा कमर पोयो ऑयल का है। पोयो ऑयल का अभी तो। अच्छा तुम सो के क्यों उठे हो इस टाइम? बस मैंने बोला फिर आगे पूरा दिन उठना है यार। हाँ तो भाई ग्रीन लाइन का जो हमारा सफ़र है बहुत ही अच्छा और मज़ेदार रहा, 20 मिनट पहले हमें ग्रीन लाइन ने पहुंचा दिया है। अब हम स्टेशन से बाहर निकलेंगे और फिर थोड़ी बहुत अगर जो डिटेल होगी वो मैं आपको बताऊँगा। चलो तो भाई ट्रेन स्टेशन से बाहर हम लोग आ चुके हैं और हमारा यहाँ से अब जो सफ़र है ना वो है होटल की जानिब। रजाक को देखो थोड़ी मुश्किल हो रही है, आ जा भाई। तो बहरहाल अभी हमारा ये है कि हमारा यहाँ पे होटल बुक है और वो है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की पैदल वॉक पे, ड्राइव पे भी नहीं। हमने यहीं पे होटल बुक कर लिया था, मैं आपको रोशनी में दिखाता हूँ। तो भाई ये है द ब्यूटीफुल रावलपिंडी स्टेशन और जहाँ पे हम अपना सफ़र अख्तदाम पजीर कर रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा सफ़र यहीं तक का था, कराची टू रावलपिंडी बाय ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। बहुत मज़ेदार सफ़र रहा, खाना अच्छा था, सर्विस अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी, मैंने सब दिखाया, टिकट की प्राइसिंग बताई। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आगे भी मज़ेदार ब्लॉग आने वाले हैं, मज़ेदार स्ट्रीट फूड वीडियोज़ आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पेशावर, सवाबी, मरी, नथिया गली और एक बहुत ही खूबसूरत जगह खानसापुरा, जो आप लोगों ने अब तक विज़िट नहीं करी होगी। बहुत ज़्यादा बातें कर ली, पूरा सफ़र दिखाया, पॉलर कार्ड दिखाई, एसी स्टैंडर्ड दिखाया, इकोनॉमी भी इसका अच्छा होता है, इकोनॉमी में भी खाना मिलता है, बट मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा एसी स्टैंडर्ड। बिल्कुल नॉइस प्रूफ ट्रेन होती है, शोर शराबा नहीं होता, मट्टी धूल नहीं होती। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह की एक और मज़ेदार स्ट्रीट फूड वीडियो या व्लॉग में मिलेंगे। जब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, अल्लाह हाफिज़।